आज हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि के बारे में। अयादि स्वर संधि का एक प्रकार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अयादि स्वर संधि की परिभाषा। ए अय ओ औ ए अय ओ औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो उसका रूप परिवर्तित होगा। देखेंगे ए ऐ का अगर होगा, अगर ए ऐ का भिन्न स्वर में रूप परिवर्तित होगा, भिन्न स्वर, तो इसका जो संधि होगा, जो रूप परिवर्तित में आएगा वो होगा ऐ। अगर हमारा ए से और भिन्न स्वर से संधि हो रहा है यानी मेल हो रहा है तो उसका जो रूप परिवर्तित होगा वो होगा ऐ। अगर ऐ से हो रहा है तो उसका रूप परिवर्तित होगा आय में। उदाहरण देखेंगे ने धन अन, तो इसके इसमें जो है वो है ए, इसमें जो स्वर है वो है ए और जो भिन्न स्वर है वो है अ, तो इससे जो मेल होकर रूप परिवर्तित हुआ वो होगा ऐ। तब इसी पे ये नियम लागू करेंगे तो देखेंगे न, अब इन दोनों का संधि हो गया तो होगा य और जो न है आखिरी का नयन। अब दूसरा है उदाहरण नए धन अक, तो इसका जो अंतिम स्वर है वो है अय धन अ, तो इन दोनों के जो मेल से विकार आया है वो हुआ आय। तब इन दोनों पे ये नियम लागू करेंगे तो न, अब इन दोनों ने जो संधि कर लिया जो विकार आया है उससे ये वो हुआ और क नायक। अब ओ और ओ पे यही नियम लागू करेंगे, अगर ओ का और ओ का किसी भिन्न स्वर के साथ संधि हुआ तो जो विकार आएगा, अगर ओ के साथ किसी भिन्न स्वर का संधि हो रहा है तो वहां आएगा अव, और ओ का किसी भिन्न स्वर के साथ संधि हो रहा है तो उसका विकार आएगा आव। तो अब उदाहरण में देखेंगे कैसे पो धन अन, तो इसमें जो है वो है ओ और अ, तो अब इन दोनों के मेल से जो विकार आया वो हुआ अव। तब ये नियम इस पे लागू करेंगे तो पो प और इन दोनों ने मेल किया तो व और जो अंतिम वर्ण बचा वो हुआ न पवन। अब ओ का देखेंगे उदाहरण तो पौ धन अन, तो अब इसके अंतिम वर्ण में है वो है औ जो स्वर है और ये अ, तो आव। अब इन दोनों पे यही नियम लागू करेंगे तो होगा पा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा उसमें, इन दोनों ने संधि किया तो व न पावन। तो ये हो गया हमारा अयादि स्वर संधि की परिभाषा और उसके नियम। धन्यवाद।